पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। यहां गैंगरेप हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, माफिया राज चल रहा है, व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, महिलाओं को सड़कों पे घसीट के उनकी जान ले ली जा रही है। यह सारा मुद्दा केजरीवाल जी उठा रहे हैं और अमित शाह बजाय इसके कि केजरीवाल के सवालों का जवाब दे, अमित शाह बजाय इसके कि दिल्ली में अपराध रोके, केजरीवाल को रोकने में लगे हुए हैं, केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र और साजिश रचने में लगे हुए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर किए ने, चाहे वह लॉ अफसर होण, चाहे वह फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। मुद्दों से दिमाग हटाना है। अब मुद्दों से दिमाग हटाने के लिए सिर्फ एक ही सहारा होता है, भाजपाइयों का झूठ। तो आज उन्होंने वो ऑडियो क्लिप आपके बीच में चलाया जो पूरी तरीके से फेक है, जिस ऑडियो क्लिप की कोई सत्यता नहीं है और जिस ऑडियो क्लिप के बारे में दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसा एक ऑडियो क्लिप भारतीय जनता पार्टी का, फिर से मुझे कहना पड़ रहा है, भारतीय झूठा पार्टी का आईटी सेल का जो हेड है वो चला रहा है। उसके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो दिल्ली के हैं सचदेवा जी, गौरव भाटिया, उस झूठ को लेकर उड़ रहे हैं आसमान में उड़ रहे हैं, जिसके संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है। ऐसे झूठ को लेकर उड़ रहे हैं और यह आदेश हाई कोर्ट का है कि ऐसा कोई भी ऑडियो चलाया नहीं जाएगा। भारत के उच्च न्यायालय, दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ऑडियो क्लिप कैसे चलाई? इनके खिलाफ माननीय न्यायालय को एक्शन लेना चाहिए। 17 अगस्त 2023 को देश के एक मीडिया चैनल ने ऐसा ही प्रयास इसी ऑडियो क्लिप को चलाया था और ये कहा था कि एक कपिल सांगवान नाम का एक गैंगस्टर है और उस नरेश बाल्यान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके बीच की ये बातचीत है। अब उसके बारे में दिल्ली की पुलिस कहती है, उसको रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हुआ है, कहती है हम कहां है ये व्यक्ति हमें पता नहीं। जो व्यक्ति दिल्ली की पुलिस को नहीं मिल रहा, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, जो अमित शाह को नहीं मिल रहा, वो भाजपाइयों को कहां से मिल रहा है? या तो अमित शाह के घर में मुलाकात हुई होगी, उसने कहा होगा कि हां हमारी बातचीत है। ऑडियो क्लिप, फर्जी ऑडियो क्लिप, झूठी ऑडियो क्लिप चला के आप आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, दिल्ली की बदहाल और बदतर कानून व्यवस्था के मुद्दे से लोगों का दिमाग हटाना चाहते हैं। ये हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको हर दिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में एक्सपोज करेगा।